नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। असम में विधानसभा चुनावों के बीच हर दिन सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। कभी किसी बयान को लेकर तो कभी विरोधियों पर साधे गए निशाने को लेकर। चुनाव जीतने के लक्ष्य के साथ हर पार्टी हर दिन नई नई सियासी चाल चल रही है। इसी बीच कांग्रेस की सहयोगी पार्टी AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के बाद अब उनके बेटे अब्दुल रहीम अजमल ने जो बयान दिया है उस पर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल प्रचार के दौरान अब्दुल रहीम अजमल ने कहा, असम में जो अगली सरकार बनेगी वो दाढ़ी टोपी और लुंगी पहनने वालों की सरकार होगी। बस इसी बयान के बाद बवाल होना था, बवाल शुरू भी हो गया है। अब इस पर VHP ने बयान दिया है और अजमल के बयान को जिहादी मानसिकता बताया है। अब्दुल रहीम अजमल ने कहा है कि हमारी माओं और बहनों के बुरके की इज्जत करनी होगी। जैसे ही चुनावी रैली में ये बात निकली तो राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि असल में ये वेशभूषा बंगाली बोलने वाले प्रवासी मुसलमानों की है और शायद उन लोगों के वोटों को ध्यान में रखकर ही अब्दुल रहीम अजमल ने ये बयान दिया। अब इस पर जब सियासी टीका टिप्पणी शुरू हुई है तो VHP का कहना है कि असम की जनता अच्छी तरह से जानती है कि आप बुरके से मुक्ति की बात नहीं करते। जब तक उन बहनों को बुरके से, तीन तलाक से, हलाला से मुक्ति दिलाने की बात नहीं करेंगे तब तक महिलाओं के लिए आपका बात करना शोभा नहीं देता। इस पर BJP ने भी स्टैंड लिया है और पार्टी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया क्योंकि अजमल की पार्टी कांग्रेस के साथ है। BJP ने तो सीधे सीधे राहुल गांधी से सवाल किया कि ये अवसरवाद की राजनीति करने वाले लोग बदरुद्दीन और अब्दुल रहीम अजमल का हाथ पकड़ रही हैं और जो लोग असम में ऐसे बयानबाजी कर रही हैं, क्या वो असम की पहचान बन गए हैं? वैसे ये बवाल पहली बार शुरू नहीं हुआ, इससे पहले भी असम की राजनीति में बवाल होता रहा है, लेकिन इस बार जब सियासत नई शक्ल ले रही है ऐसे में इस तरह के बयान से वोटिंग से पहले राजनीति में भूचाल आना तय समझिए।